तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जामिया एमसीए 2024 का आज जो है हम लोग पूरा प्रिपरेशन प्लान बनाने वाले हैं। इसका एग्ज़ाम डेट कब है? इसका एग्ज़ाम डेट जो है वो आपका 26 मई को होने वाला है। तो अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, मतलब पूरा अप्रैल बाकी है, पूरा मई मतलब 2 मंथ्स के आसपास आपके पास टाइम है। ठीक है, 2 मंथ्स के आपके पास टाइम है। पूरा कट ऑफ कितना जाता है, कितने नंबर पे जो है कॉलेज अलॉट होता है, इन सभी चीज़ों पे मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल रहा होगा, तो जा कर के आप देखो। 45+ स्कोर भी आ जाता है आउट ऑफ 100 तो आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है। 50 से 55 सीट्स है टोटल इस कॉलेजेस में। और जो है इसका एग्ज़ाम, ये पर ईयर की फ़ीस है 8,500 इसका जो पर ईयर की फ़ीस है, मतलब कि आपके 16,000 में पूरी एमसीए कंप्लीट हो जाएगी। इसीलिए ये कॉलेज जो है बेस्ट है और कम फीस में, मतलब बहुत ही सस्ते में जो आप एमसीए कंप्लीट कर सकते हो। और प्लेसमेंट भी बहुत ठीक ठाक है, मतलब हर एक साल बच्चे 55 सीट्स ये टोटल, तो ठीक ठाक बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं ऑलमोस्ट, अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो सीट्स कम है, इसीलिए इसका कट ऑफ भी। और कट ऑफ कम जाने का एक ही रीज़न होता है कि ये जो है मीडियम है, मतलब एग्जामिनेशन का जो मोड है, एग्ज़ाम का जो मोड है वो ऑफलाइन होता है। ठीक है, ऑफलाइन होता है। किस पे होगा? आपको OMR सीट दिया जाएगा, उसको फिल करना है, जैसे 4 ऑप्शन रहते हैं उसको कलर करने वाला, उस टाइप का जो है आपका ये एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम डेट है 26 मई, तो याद रखना। सिर्फ और सिर्फ इसमें आप अगर टाइम मैनेज कर लोगे ना, टाइम मैनेज कर लोगे तो ये एग्ज़ाम ईजिली क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या क्या डिस्कस करने वाले, अभी पूरा सिलेबस देखेंगे एक बार फिर से कि क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से टॉपिक्स को हम कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स को हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि हमें 50% मार्क्स ही चाहिए। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमें करेक्ट होने चाहिए। एक क्वेश्चन होता है, एक करेक्ट मार्क्स पे 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, एक क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो 0.25 मार्क्स जो है इसके कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रही जामिया से रिलेटेड जो है आज पूरी डिटेल जो डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने रजिस्टर कर लिया होगा, आई थिंक रजिस्ट्रेशन का जो डेट है उससे पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लो, फॉर्म फिल कर दो। फॉर्म फिल करोगे तो जो है आप एग्ज़ाम दे पाओगे। सेंटर भी इसके बहुत कम होते हैं, जैसे बिहार झारखंड में सिर्फ एक ही सेंटर पटना में जो है इसका सेंटर है। ठीक है, पटना में जो है इसका सेंटर होने वाला है। तो आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा आई होप। तो चलिए सबसे पहले इसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, इसका डिटेल सिलेबस है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पड़ा हुआ है, तो जा करके आप एक बार डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, इसका क्या है, 40% जो है आपका 40% मतलब कि 40 क्वेश्चंस जो है आपके मैथ से आने वाले हैं, 40 क्वेश्चंस जो है आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से आने वाले हैं। ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल से, फिर आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस 10 रहेंगे और इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है आपके 10 रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये पेपर का पैटर्न होने वाला है, तो इसी पेपर के पैटर्न को आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, हमारा जो मॉक टेस्ट है, हमारा क्या है, हमारा जो मॉक टेस्ट है जामिया का, तो उसे जा करके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, जा करके उसे परचेस करो, देखो। बहुत ही सस्ते में मॉक टेस्ट है, सेम पेपर पैटर्न पे जो है आपको मॉक टेस्ट मिल रहा होगा वहाँ पे। तो जाओ जल्दी से जा करके उस मॉक टेस्ट को दो, मॉक टेस्ट एनालिसिस करो। ठीक है, ये रही। अब देखो मैथमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स है, आपके सेट रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, सेट रिलेशन एंड फंक्शन है, तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसे जो है आपको टिक कर रहा हूँ, इसे आपको करना है, मतलब 2 मंथ्स में आपको इन सब टॉपिक्स को करना ही करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको करना ही करना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं कभी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये रही बाइनोमियल थ्योरम, अगर आप स्किप भी करते हो तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप नहीं भी करोगे एक ही क्वेश्चंस आई थिंक आते हैं। पीएनसी जो है आपको करना है, वीवीआई है, पीएनसी आपको करना ही करना है हर हाल में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी करना है, जब पीएनसी करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिक होना ही है। और फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज करना है, मैथमेटिकल रीजनिंग अगर छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको एक बार देख लेने, लिमिट्स कंटिन्यूटी डेरिवेटिव अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप करो, वरना इसे भी आप स्किप कर सकते हो क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं। तो अगर अभी आपके पास 2 मंथ्स है, आप एक सही से प्रिपरेशन प्लान मैं बताने वाला हूँ कि किस टाइम आगे जा करके कि कैसे कैसे आपको जो है टाइम को मैनेज करना है। तो अगर उस टाइम को मैनेज करते हो तो ये भी जो है आपको हो जाएगा, और ये करना भी
चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पूछोगे तो ये करना भी चाहिए, ठीक है। लिमिट कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चंस, ये सब क्वेश्चंस कर लेना, ऑर्डर एंड डिग्री वाले क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं कभी कभी। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग अगर छोड़ दोगे तो वो भी कोई दिक्कत है ही नहीं। कंप्यूटर फंडामेंटल में क्या क्या करना है, सी लैंग्वेज आपको करना है, बहुत ही जरूरी है। सी लैंग्वेज के आउटपुट वाले जो क्वेश्चन है वो करो, मेमोरी वाले जो क्वेश्चन है, मेमोरी के जितने भी क्वेश्चन है वो करो, ठीक है, मेमोरी के जितने क्वेश्चन है वो करो। कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन है, कन्वर्जन वाली ये 100% करना ही करना है। ये आएगा कौन से, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी जो क्वेश्चंस होते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल जो इस टाइप के कन्वर्जन होते हैं ना, ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, इस टाइप के जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस है वो करना है आपको, वो करना है। फिर आपका वंस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आएंगे, फ्लिप फ्लॉप पे क्वेश्चंस आने वाले, लॉजिक गेट्स पे आने वाले। तो कंप्यूटर सेक्शंस अगर हो सके तो पूरा करो, जितने आपके पास टॉपिक्स हैं ना ये देखो, डेट सिलेबस को लिखो, एनालिसिस करो, कहीं पे लिख करके रख लो और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करो, सारे जो टॉपिक्स है उसे कंप्लीट करो। उसे कंप्लीट करने के बाद आपको क्या देखो, जोर एंड नैंड नॉर गेट, इन सब के जो क्वेश्चंस है, मेमोरी देखो, मेमोरी बेसिक मेमोरी ये आपके बहुत जरूरी है। सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते क्या हैं, इसके क्वेश्चंस करो, इतने हो जाएंगे। देखो ये सब करो, ये सब आप टॉपिक को कंप्लीट करो पहले, ठीक है। टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद फिर मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट क्या होगा, मॉक टेस्ट होगा आपके 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। लिमिट है जो है 90 मिनट का टाइम होगा। इसमें क्या होगा, हमारा जो एमसीए ज्ञान का मॉक टेस्ट है, एमसीए ज्ञान का जो मॉक टेस्ट है उसमें टोटल 30 मॉक टेस्ट है। कितने, 30 मॉक टेस्ट है, ठीक है। 30 मॉक टेस्ट में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत बचेगी ही नहीं। इतने क्वेश्चंस बार बार रिपीटली आपको जो है याद रहेंगे। आप जैसे ही मॉक दोगे ना, मान लो कि आप मॉक वन दिए, ठीक है, मॉक वन दिए, तो जो भी मॉक वन देने के बाद जो जो क्वेश्चंस आपसे गलती होंगे वो रिकॉल रहेगा, वो हमेशा याद रहेगा। इसीलिए आप कोशिश करो कि मॉक टेस्ट से जो है आप क्वेश्चंस को, मॉक टेस्ट से क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करो, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस को जो है रटने की, मतलब एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो बहुत टाइम तक वो क्वेश्चंस याद रहने वाला है, ठीक है। मैं बार बार मॉक टेस्ट क्या बोल रहा हूँ। और ये देखो अब जो है प्रिपरेशन प्लान किस टाइप से होने वाला है आपका, प्रिपरेशन प्लान किस टाइप से होने वाला है। अब जो है वीक में कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट दो आप, 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है, 3 से 4 मॉक टेस्ट आपको देना है। फिर इसको एनालिसिस करना है। अगर आप 90 मिनट का मॉक लिख रहे हो तो आपको 3 से 4 घंटे जो है आपको एनालिसिस में देना है। 90 मिनट का मॉक लिख रहे हो, 3 से 4 घंटे क्या करना है, एनालिसिस में क्या होगा उससे। एनालिसिस में ये होगा कि मान लो कि आपके मैथ्स के कोई क्वेश्चंस गलत हुए तो देखो कि उसमें क्या आपने वो टॉपिक कवर कर रखे, पहले से पढ़ रखे कि नहीं पढ़ रखे, या फिर आपके लिए पूरा नया है। अगर पढ़ रखा है तो कहाँ पे गलतियाँ हो रही है, क्या फार्मूला बेसिस पे गलती हो रही है, या फिर कॉन्सेप्ट हमें पता नहीं है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे गलती हो रही है तो क्या हो रही है, फिर उसको इसमें इंप्रूव करने की कोशिश करो। इंप्रूव करो 3 से 4 घंटे में इंप्रूव करो, उससे क्या होगा आपका जो पढ़ रखा होगा पहले से वो भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा, वो चैप्टर जो है वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपके माइंड में बैठना स्टार्ट होगा। तो अभी क्या करो, अब जो है अब दिन में पूरा आप पहले कंप्लीट करो, जितने मैंने सिलेबस बताए, जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बताए वो कवर करो, फिर आप एक मॉक दो, मॉक को फिर उसे क्या करो, एनालिसिस करो। तो ये आपका प्रिपरेशन प्लान इस टाइप से होना चाहिए कि आपको कवर भी करना है टॉपिक भी, और मॉक टेस्ट भी लिखना है, और एनालिसिस भी करना है। 3 से 4 वीक का प्लान बनाओ, पर वीक का अपने अकॉर्डिंग, अगर आप फिर डेली भी बना सकते हो। देखो प्रिपरेशन प्लान आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा, आपको कब टाइम